Hey guys, welcome or welcome back to my channel. Hi guys, I am Shreya. तो गाइस थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो क्या होने वाला है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो आज का वीडियो है ना वो हैवी साड़ी के ऊपर है. सो आज मैं आपको एक हैवी साड़ी अपना स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ कि आप किस तरीके से एक हैवी साड़ी को स्टाइल कर सकते हो. कि गाइस जो हैवी साड़ी है ना वो बहुत सारी मैक्सिमम लड़कियाँ इंक्लूडिंग मी ऑल्सो वो हैवी साड़ी वेयर करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. आई नो दैट. तो मेरे पास भी दो तीन साड़ियाँ हैं ऐसी जो ऑलमोस्ट सबके पास ही होती है. अगर आपकी शादी हुई है या होने वाली है तो आपके पास भी एक आध तो होगी ही, इसमें कोई शक नहीं. सो दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया जाए कि आप हैवी साड़ी को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हो और खूबसूरत लग सकते हो. ऑफकोर्स साड़ी में भी लड़कियाँ खूबसूरत लगती हैं. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वेस्टर्न या यू नो वेस्टर्न आउटफिट से ज़्यादा लड़कियाँ साड़ी में खूबसूरत लगती है. पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है. वैसे सारे ड्रेसेस अच्छे होते हैं बट जो साड़ी है वो साड़ी मतलब हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत प्यारा लगता है. वो हमारे इंडियन कल्चर का है. सो दैट्स वाई मैं साड़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. सो अगर आप ये बोलोगे कि मेरी शादी हो गई है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ तो बिल्कुल नहीं. मुझे शादी से पहले भी साड़ी बहुत पसंद थी, बट हाँ वो बात अलग थी कि मुझे वेयर करना नहीं आता था. अभी भी प्रॉपरली नहीं आता है बट हाँ काफ़ी हद तक सीख लिया है मैंने. सो या मैं थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अभी बता देती हूँ, बाकी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा. सो गाइस फर्स्टली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि कभी भी हैवी साड़ी के साथ हैवी ब्लाउज वेयर मत करना. कभी भी मत करना. ऑलवेज आप ना उसके साथ लाइट वेटेड ब्लाउजेज जैसे स्लीवलेस या फिर नूडल स्ट्रेप्स इस टाइप के ब्लाउजेज जो होते हैं ना, इस टाइप के स्ट्रेप्स वाले, नूडल स्ट्रेप्स वाले या फिर चौड़े पट्टी वाली, कभी भी फुल स्लीव या ज़्यादा स्लीव्स वाले ब्लाउज वेयर मत करना. इतना स्लीव्स इनफ है क्योंकि गाइस साड़ी ऑलरेडी बहुत हैवी होती है. सो अगर आप उसके साथ हैवी ब्लाउज वेयर कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा सा भरा भरा सा लगने लगता है. दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी भी हैवी साड़ी के साथ हैवी ब्लाउज मत वेयर करना. एंड दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आपका साड़ी जो है वो ज़्यादा उभर के आए तो कोशिश करना कि ऑलवेज साड़ी के साथ जो साड़ी का कलर है उससे कंट्रास्ट में ब्लाउज वेयर करो. बहुत खूबसूरत लगता है. मैंने इस वीडियो में भी मैंने कंट्रास्ट ब्लाउज ही वेयर किया है जो कि उस साड़ी के लिए साड़ी के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा है टू बी ऑनेस्ट. सो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा वो. सो या एंड गाइज वन मोर थिंग कि आप कभी भी हैवी ज्वेलरी मत वेयर करना हैवी साड़ी के साथ, क्योंकि गाइज जो हैवी साड़ियाँ होती हैं ना उसमें ऑलरेडी बहुत सारे वर्क्स होते हैं साड़ी में, बॉर्डर एंड ऑल दैट सब कुछ बहुत ज़्यादा हैवी सा होता है साड़ी. सो उसके साथ ज़्यादा हैवी ज्वेलरी मत वेयर करना. आप बस सिंपली एक झुमका वेयर कर सकते हो और गले में अगर आप शादीशुदा हो तो मंगलसूत्र वेयर कर लो या फिर इस तरीके का सिंपल चेन वेयर कर सकते हो. और तीसरा टिप ये है गाइस कि आप कभी भी जब भी हैवी साड़ी वेयर करो बालों को खुले मत रखना. कभी भी नहीं मत रखना बालों को खुले, कभी भी मत रखना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगेगा. फिर आपका पूरा ये जो नेक का पोर्शन है ना बहुत भरा भरा सा लगेगा. तो ऑलवेज़ आप प्रेफर करो कि आप अपने बाल को बन बना लो, या तो हाई बन या फिर साइड बन, कैसा भी आपको पसंद हो, लेकिन बालों को खुला मत रखना वरना वो लुक उतना अच्छा नहीं आता. बालों को बन बना के रखो, लुक बहुत खूबसूरत आएगा. एंड गाइस इस टाइप की हैवी साड़ियाँ ना ऑलवेज़ हम या तो किसी पार्टी में वेयर करते हैं या फिर घर में कोई पूजा फंक्शन है उस टाइप उसी वक्त वेयर करते हैं इन सब साड़ियों को. सो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप उनके जब भी आप इस तरीके से रेडी हो तो गजरा ज़रूर ट्राई करना, बहुत खूबसूरत लगता है. मैंने भी इस वीडियो में गजरा वेयर किया है. एक्चुअली वो दिखेगा नहीं उतना क्योंकि वो पीछे था, सो दैट्स वाई उतना नज़र नहीं आ रहा था. बट फिर भी अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो पीछे से बहुत खूबसूरत लगता है. अगर आपने बालों को बन बनाया हुआ है उसके साथ गजरा बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है. सो गजरा ज़रूर ट्राई. गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल वाला गजरा ही वेयर करो, आर्टिफिशियली वेयर कर सकते हो. मैंने आर्टिफिशियली रखा है अपने पास. मैंने आई थिंक 1-1.5 महीने पहले बाय किया था उसे, ऑफलाइन बाय किया था मैंने उसे. ऑनलाइन ही आपको ऑनलाइन भी अच्छी खासी वैरायटीज़ मिल जाती है, फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा कहीं पे भी अच्छी खासी वैरायटी मिल जाती है, तो आप ट्राई कर सकते हो. सो ऐसा गजरा आप अपने पास ज़रूर रखें. सो गाइस अभी के लिए इतना ही. आगे का जो बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आगे वीडियो में दिखेगा आपको. चलिए फिर वीडियो देखते हैं. एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. गाइज फर्स्टली मैं अपना बेस तैयार कर लूँगी. सो उसके लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे. एंड देन मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और फिर उसे कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी ताकि एक अच्छा बेस मिल जाए हमें हमारे आई मेकअप के लिए.
एंड गाइस मैंने अपने फेस को ना बेक किया है, सो आई नो कि मैं थोड़ी हॉरिबल लग रही हूँ, सो प्लीज़ जस्ट इग्नोर इट। सो मैं फर्स्टली आई मेकअप कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक फ्लफी ब्रश में लाइट ब्राउन शेड लिया है मैंने, एंड उसे अपने क्रीज के ऊपर अच्छे से अप्लाई करूँगी, ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। एंड देन फिर एक पॉइंटी ब्रश में डार्क ब्राउन शेड लेके मैं उसे अपने क्रीज पर अच्छे से अप्लाई करूँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देन फिर एक आफ्टर दैट गाइज मैंने ना एक एंगुलर ब्रश लिया है और उसमें मैंने ब्लू शेड लेके अपने आउटर वी पे प्लेस किया है उसे, और एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी मैं। एंड देन फिर गाइज मैंने एक बेबी पिंक शेड लिया है और उसे अपने पूरे लिड पर अप्लाई करूँगी और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, ताकि सब कुछ इवन दिखे। आफ्टर दैट गाइज मैंने एक छोटू ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड उसमें मैंने ब्लू शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन पे अच्छे से स्मज आउट किया है। एंड देन फिर हम आईलाइनर और मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। एंड काजल के लिए गाइज मैंने यहाँ पे NYB का काजल पेंसिल यूज़ किया, आई पेंसिल यूज़ किया है इन द शेड ब्लू। सो या काजल अप्लाई करने के बाद मैं अपना इनर कॉर्नर और ब्राबोन हाईलाइट कर लूँगी, एंड देन मैं अपने फेस पे जो मैंने बेकिंग की थी ना उसे रिमूव कर लूँगी। एंड देन फिर गाइज मैंने ज़्यादा कुछ बेस मेकअप नहीं किया है, मैंने बस हल्का फाउंडेशन अप्लाई किया था। एंड देन फिर मैं कॉन्टोर करूँगी और हल्का कॉन्टोर करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, ब्लश और हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। सो या आप अपने पसंद से अपना बेस रेडी कर सकते हो, आपको जिस टाइप का पसंद हो, हैवी तो हैवी, या फिर अगर आप नॉर्मल चाहते हो तो आप नॉर्मल भी रख सकते हो, तो बेस आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो वैसा रख सकते हो गाइस। सो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। गाइस मैंने लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैक का लिपस्टिक यूज़ किया है इन द शेड रूवी वू। सो या एंड मैं फिर अपने फेस को सेट कर लूँगी सेटिंग स्प्रे की मदद से। सो ऑलमोस्ट मेकअप डन हो चुका है गाइस, सब कुछ कंप्लीट है। एंड गाइस मैंने ना कॉलर बोन को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया क्योंकि मैं नूडल स्ट्रिप्स ब्लाउज पहनने वाली थी, दैट्स वाई। सो गाइस हेयर इज़ द फाइनल लुक। गाइस अगर लुक की बात करूँ तो मेरी साड़ी है पिंक कलर की एंड मैंने उसमें कंट्रास्ट ब्लाउज वेयर किया है, बेसिकली ये क्रॉप टॉप है एंड इसका रिव्यू मेरे चैनल पे है, सो आप चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने ब्लाउज जो वेयर किया, जो क्रॉप टॉप है, वो ब्लू कलर का है एंड मैंने साथ में चूड़ियाँ वेयर की है एक हाथ में ब्लू कलर की, एंड एक हाथ में मैंने रिस्ट वॉच वेयर किया है। ईयर्स में मैंने झुमका वेयर किया है क्योंकि थोड़ा ट्रेडिशनल वाला लुक आ रहा था, एंड गजरा लगाया है मैंने अपने हेयर पे। सो गाइस वन मोर थिंग, अगर आप पल्लू को जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिख रहा होगा, आप उस तरीके से ना पल्लू को पिन से क्लिप कर सकते हो, उससे क्या होगा ना कि आपका पल्लू इधर उधर नहीं होगा और काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है वो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता पल्लू को कैरी करने में। सो आप चाहो तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही है ये जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है। नॉर्मली आपको बस जितनी प्लेट्स करनी है ना आप कर ले एंड देन फिर आप वहाँ पे पिन लगा लो। सो अगर आप हाथ को नीचे भी करोगे ना तो पूरा साड़ी जो है वो खुलेगा नहीं, मतलब कभी होता है ना कि अगर आपने बस शोल्डर पे पिनअप किया है तो अगर आपके हाथ को आपने नीचे करते हो ना तो वो खुल जाता है। सो गाइज आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज का अपडेट आपको मिलता है। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक फॉर मोर अपडेट्स एंड फन। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।